भारी संख्या में लोगों ने ली आम आदमी पार्टी की सदस्यता। जिला अध्यक्ष अनिल प्रजापति रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान में की तेजी। रितिया वार्ड के मुरावन टोला में बड़ी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें महिलाओं ने भी सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अयोध्या अनिल प्रजापति ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यों को देखकर आज काफ़ी संख्या में लोगों ने रितिया वार्ड के मुरावन टोला में सदस्यता ग्रहण की, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने पार्टी के कार्यों को लेकर निवासियों को बताया। चुनाव की तैयारी को लेकर जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और जिस तरह से दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार है, उसी तरह से यूपी में भी जल्द आम आदमी पार्टी अपना परचम फहराएगी। पार्टी ज्वाइन किया है जी, उसकी नीतियों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी आपको कि मैं खुशबू निषाद। आज ही हम सब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और जैसा कि हमारे सभी अतिथिगणों ने बताया कि मतलब इस पार्टी में क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं महिलाओं के लिए। सबसे ज़्यादा सुविधाओं की इन्होंने बात की है, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि महिलाओं को हर महीने जो है मतलब 1000 रुपये किसी फॉर्म के थ्रू मिलता है और प्लस घरेलू भी मतलब हम लोगों को सुविधाएँ मिलती है। मीटर रीडिंग से संबंधित उन्होंने बताया कि जो है यूनिट फ्री मिलेगा। प्लस दिल्ली और हरियाणा में देखने को मिलता है कि मतलब महिलाएं जो बस यात्रा है वो निशुल्क करती हैं और ये सही बात है, क्योंकि मेरे भी भाई साहब वहाँ रहते हैं। हर राखी पर हम दिल्ली जाते हैं और हमने ये चीज़ देखा है कि हाँ वहाँ पे बस सुविधाएं निशुल्क है। प्लस यहाँ उत्तर प्रदेश के मुकाबले दिल्ली में जो हमने देखा है कि वहाँ की सुविधाएं यहाँ से 4 गुना ज़्यादा बेहतर है और महिलाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी। जैसे पहले बहुत सारी मतलब सुनने के लिए मिलता था कि महिलाएँ सेफ़ नहीं है, मगर इस वक्त दिल्ली में एक औरत कहीं भी जा सकती है, कहीं किसी के मतलब उसे किसी के साथ की जरूरत भी नहीं है और उसके जेब में अगर पैसा भी नहीं तो बस यात्रा भी वो फ्री कर सकती है। तो यही सब सोच करके आज हमने भी जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और बहुत ही अच्छी मतलब पार्टी है और हम इसका आगे भी सहयोग करेंगे। क्या नाम? खुशबू निषाद। निरंतर चलता ही रहता है और कभी कभी हम इसको खुद कैंप लगा करके चलाते हैं और अदरवाइज ये निरंतर चलता रहता है। तो आज उसी सदस्यता अभियान के तहत आपके इस क्षेत्र में यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और तमाम साथियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। मैं उन सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूँ। आम आदमी पार्टी में जो लोग आए हुए हैं, आज ज्वाइन किया है, उनका भी उज्ज्वल भविष्य होगा और उनके सहयोग से हम आम आदमी पार्टी को और नई ऊँचाइयों तक का लेके जाएंगे। जिस तरह से नीतीश जी चल रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और गठबंधन में उनकी भी मौजूदगी रही, तो क्या कहेंगे, कितना असर पड़ सकता है गठबंधन को? ठीक बात कर रहे हैं आप, गठबंधन को एक नए उससे जो है, जब ये जो गतिविधियां हो रही हैं, इन गतिविधियों के बाद वही तमाम लोगों ने पहले भी साहब अपने सीटों का बंटवारा क्यों नहीं किया, तमाम साथी हमारे पत्रकार साथी भी पूछते थे, तो नहीं हुआ तो ये देखिए आपके सामने है। और आज वो उनको मुबारक हो जो उन्होंने जो है नए वातावरण में नए साथियों के साथ शपथ, शायद इस समय शपथ ग्रहण का चल भी रहा होगा मौके पर, तो वो उनको मुबारक है। मैं आम आदमी पार्टी की बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी ने में जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया या हमारे तमाम साथियों ने ज्वाइन किया, सब आम आदमी पार्टी में हैं और एक नई ऊँचाइयों में हमारे अरविंद केजरीवाल जी उसको लेके जा रहे हैं पार्टी को भी, और दिल्ली और पंजाब में बहुत बढ़िया शासन व्यवस्था चल रही है और राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी बन चुकी है नंबर 3 की पार्टी है इस समय भारतवर्ष में। और आप देखते रहिए, समय जरूर लगेगा। हम लोग चलाए हैं, कौन सा वार्ड है, कितने लोग यहाँ पर अभी ज्वाइन किए आपके साथ? देखिए लगातार हम लोग सदस्यता अभियान चलाते ही रहे हैं और लोगों को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली मुफ्त, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, हमारी माताओं बहनों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, स्वास्थ्य में जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है, इन कामों को लगातार हम लोगों के बीच जाते रहते हैं और बताते रहते हैं और लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रति जोड़ते रहते हैं और हमारा कार्रवा यूं ही बढ़ता रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो आज हमारे जो है ये रितिया वार्ड में मुरावन टोला में जो है हमारे जो है तेज नारायण भाई जो है मौर्य जी पार्टी ज्वाइन की, हमारी बहन रमुन्निशा जी ने ज्वाइन की और तमाम महिलाओं ने ज्वाइन की और तमाम युवा साथी हमारे पीछे जो खड़े हैं उन सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली मॉडल को पसंद करते हुए सभी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। लोकसभा चुनाव करीब है, लगभग डेट भी घोषित हो चुकी है, क्या तैयारी आम आदमी पार्टी की है? लोकसभा की तो अभी कोई डेट घोषित नहीं हुई है जो है, और ऑफिशियली अगर कोई डेट घोषित होती है
और अभी तो हम ऊपर से शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है अभी इंडिया गठबंधन में था, और अभी हमें कोई ऊपर से दिशा निर्देश भी नहीं मिले हैं। जैसा हमें ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा वैसे हम काम करेंगे। सपा कांग्रेस से कितना सहयोग आप लोग सपोर्ट कितना है, जिस तरह सीटों की बंटवारा हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीटों के बंटवारे में जैसे कि सीटों के बंटवारे में ये था कि जो दल क्षेत्रीय में जो है मजबूत होगा वो अपने हिसाब से गठबंधन में लोगों को सीटों का वितरण करेगा। तो उस हिसाब से अभी उत्तर प्रदेश में तो हम लोग मजबूत संगठन के रूप में हमने काम किया, और संगठन के रूप में आज हम उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं। हमने पार्षद का चुनाव लड़ाया था, मेयर का चुनाव